और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले में हॉस्टल की मूलभूत सुविधाओं से परेशान कुछ बच्चियां सहायक आयुक्त कार्यालय पहुंची और एक शिकायती आवेदन दिया। लिहाजा समस्याओं को लेकर बच्चियों ने मीडिया चर्चा में इस बात का खुलासा किया कि हॉस्टल में आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। वहीं मीडिया से रूबरू लड़कियों ने यह भी बताया कि खाने में दिए गए भोजन में इल्लियाँ निकल रही है, जिसमें स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। मामले को लेकर अधीक्षिका ने बताया कि हॉस्टल में लड़कियों की व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन हॉस्टल प्रबंधन द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती जा रही है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हमारी हॉस्टल की प्रॉब्लम को लेकर हम यहाँ पर आए थे, जैसे हमको खाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कीड़े वगैरह निकल रहे, धंधोरे निकल रहे हैं, और मैडम को ये प्रॉब्लम हमने बताई तो मैम ने मतलब इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं और फिर लड़कियों के झगड़े हुए, जिसके कारण मैडम ने दो पक्ष बना दिए हैं, तो वो पक्ष आ रहे हैं और यहाँ पर अपनी अपनी शिकायतें रख रहे हैं, और हमारी हमारी जो बात है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। क्या क्या शिकायत है? हमारी शिकायत ये है कि हमको पक्षपात नहीं चाहिए, हम सब लड़कियाँ साथ में रहती है, इतने साल से साथ में रही, तो आगे भी साथ में ही चलेंगे, पर लेकिन जो छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं उनको इतना बड़ा आवेदन बना दिया है मैम ने, और दो लड़कियों को टारगेट पे रखा है और उनके घर पे आवेदन भेज दिया गया है, और उनके मतलब जो लड़कियाँ साथ में उनके भी घर पे कॉल कर दिया गया है कि मतलब जो लड़कियाँ जिनके साथ रह रही है उनकी मतलब संगति गलत है, ऐसा करके घर पे मतलब पेरेंट्स लोगों को कॉल कर दिया है, जैसे पेरेंट्स भी लड़कियों को डांट रहे हैं कि आप वहाँ पर क्या करने गए हो। खाने में कितनी बार इल्लियाँ निकली? समथिंग 3-4 बार हो गया है, धंधोरे निकलते हैं, आटे में धंधोरे चल रहे हैं, हमारे पास सारी चीज की प्रूफ भी है और इल्ली वगैरह भी है निकली है लड़कियों के खाने में। अपने अभी अच्छे हिसाब से बात करें, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना पड़ रहा है कि वो जांच पड़ताल करेंगे और फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम नंदनी गोखले। कौन सी क्लास में? बीएससी सेकंड ईयर बी सी एस। मेरी शिकायत नहीं लेके पहुंची, उनका आपस का मैटर है, उनके लड़ाई झगड़े हैं, तो जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पर, तो साहब को आवेदन देने। बच्चों का कहना है कि मैडम हमारे साथ पक्षपात करेगी? सर मेरे लिए तो सारी बच्चियाँ बराबर की है, और अगर ऐसा है मैं कोई पक्षपात नहीं कर रही, उनका ये पर्सनल मैटर है, उनके लड़ाई झगड़े हैं, मैंने जहाँ तक कोशिश करी उनको सुलझाने की और सुलझा ही रही हूँ मैं। भोजन में इल्लियों को लेकर भी उनका? हाँ, एक दिन ऐसा निकला था तो मैंने उसको फिकवा के दूसरी सब्जी बन गई थी, बच्चियाँ है दूसरी जो बोल रही है उनको भी पता है कि उसी समय मैंने दूसरी आलू की सब्जी बन गई थी। कुछ बच्चों के घर पे आपने आवेदन भी पहुँचाया था कि गलत संगति? आवेदन साहब ने बोला था जो लड़कियाँ अगर जिनके नाम से यहाँ पर शिकायत आई थी, मैंने 2 महीने से रोकने की कोशिश करी, फिर वो बार 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 शिकायत आने लगी कि आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो फिर हम कुछ भी एक्शन लेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है, तो साहब ने बोला कि उनके घर पहले नोटिस दे दो, वो समझा देंगे उन बच्चियों को। शिकायतें किस टाइप की आ रही थी? शिकायतें आ रही थी रात में दरवाजे ठोकना, चिल्ला चोट होना, अब मैं क्या रूम पे सो जाती हूँ तो पंखा चलता है तो अंदर क्या हो रहा रूमों में पता नहीं चल पाता, बड़ी लड़कियाँ रात भर पढ़ती है कॉलेज की लड़कियाँ। बच्चों का ये कहना है कि खाने में मतलब धंधोरे वगैरह इल्ली निकलती है, हमने इसकी शिकायत करी है। धंधोरे की शिकायत की थी उन्होंने, मैंने उसका अभी हल निकाला, उसी दिन निकाल दिया, उस आटे को फिकवा के दूसरा आटा पिसवाया, और जो इल्ली की बात हुई थी उस दिन भी मैंने दूसरी सब्जी तत्काल बन गई। ये कहना है कि हमने जो इसकी शिकायत करी नहीं, तो उसके बाद मैडम ने हमारे ऊपर आरोप लगाया और आरोप बिल्कुल निराधार है, ऐसा है कि इनमें शिकायत करने वाली लड़कियां भी और उनमें भी जो दूसरे भी शिकायत करी थी कि मैम ऐसा हुआ है, तो मैंने उनको जैसे माधुरी है ये लड़कियाँ अभी उन्होंने भी मेरे से शिकायत की, मैंने तत्काल उनको सब्जी दूसरी बन गई। क्या नाम लिखते हैं मैडम? मैं हिमता बघेल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को